नमस्कार प्यारे बच्चों, सारे के सारे रेडी हो जाओ। आज जो है हम लोग एक ऐसे को पढ़ने जा रहे हैं और ये ऐसे मेरे पीछे लिखे हुए ग्रीन बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ऐसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जितने भी लोग बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो टेंथ और ट्वेल्थ की हो या फिर अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मदद दे सकता है ना। तो हम लोगों ने ऐसे की सीरीज कर रखा था। इससे पहले हम लोगों ने 6 और 7 ऐसे कंप्लीट कर लिया है, जिसका लिंक पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। एक एक करके समस्त ऐसे को देखिए और एग्जाम में 8 मार्क्स उठाने के लिए रेडी हो जाइए। सो टुडे वी आर गोइंग टू यू नो डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे एज वेल एज टॉपिक, अ बर्निंग टॉपिक इन आवर कंट्री एज वेल एज इन आवर स्टेट ऑल्सो, वुमन एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, वुमन एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा की बात करें तो इस पे हम लोगों ने ये ऐसे लिखा है, ये आधा पार्ट ही है, आधा पार्ट धीरे धीरे करके हम लोग क्लियर करेंगे। इस पे वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात होती है, नारी सशक्तिकरण की। एग्जाम में आपको फीमेल एजुकेशन भी करके दे सकता है या रोल ऑफ वुमेन एजुकेशन या फीमेल एजुकेशन भी देगा, तो इसमें ये बातें आप लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ऐसे को। वुमेन आर द पिलर्स ऑफ आवर कंट्री। देखिए, मैं जितने भी एसेज लिखाता हूँ उसमें मैं टफ वर्ड्स नहीं देता हूँ, एकदम बिल्कुल सिंपल शब्दों में अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है ताकि आपको समझ में आ सके एंड आप जो है ना, जो एग्जाम में कॉपी चेक करें, आप उनको अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, आसान शब्दों में बड़ी बड़ी बातें सीखते हैं। वुमेन आर द पिलर्स ऑफ आवर कंट्री। महिलाएं जो होती है हमारे देश की स्तंभ होती है, हमारे देश की पिलर्स होती है। इट इज फैक्ट दैट नो कंट्री कैन मूव ऑन द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ये सत्य है कि दुनिया का कोई भी देश बिना वुमेन के एजुकेशन के, बिना इनके, कभी भी विकास के और समृद्धि के राह पे चल ही नहीं सकता है। कैसे? विदाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ हर यू वुमेन। यहाँ पे हर शब्द का इस्तेमाल किया गया है कंट्री के लिए। ठीक है, तो कभी भी देश का नाम है तो उसके लिए पजेसिव केस हम लोग फीमेल का ही यूज करते हैं। तो प्रॉस्पेरिटी पे की राह पे जाना हो या विकास की राह पे जाना हो, इसका मतलब होता है समृद्धि की राह पे जाना हो, तो बिना उस देश के महिलाओं के योगदानों के यह संभव नहीं है। वुमेन देयरफॉर आर नीडेड टू बी एजुकेटेड। इसलिए अगर देश को डेवलप करना है, देश को प्रॉस्पर बनना है, देश को स्ट्रांग बनना है, तो महिलाओं को शिक्षित करना ही पड़ेगा, जरूरत है उनको शिक्षित करने की। इट इज सैड दैट, ऐसा कहा जाता है कि इफ अ वुमेन गेट एजुकेटेड हर इंटायर फैमिली गेट्स एजुकेटेड। ऐसा तो आपने सुना भी होगा कि अगर एक नारी अगर शिक्षित होती है तो अपने संपूर्ण परिवार को वो शिक्षित कर देती है। एंड द सेम सेंटेंस इज रिटन हियर इन इंग्लिश, इफ अ वुमेन गेट्स एजुकेटेड हर इंटायर फैमिली गेट्स एजुकेटेड। इंटायर मतलब संपूर्ण। अगर एक महिला शिक्षित होती है ना तो उसका संपूर्ण परिवार शिक्षित हो सकता है, हो जाएगा। An educated woman can look after her family and children properly. अगर एक शिक्षित महिला है ना, तो look after फ्रेज है जिसका मतलब होता है देखभाल करना, तो वो महिला अपने परिवार का और अपने बच्चों का भी देखभाल कर सकती है बेहतरीन तरीके से, in a better way, और properly बोल सकते हैं, अच्छे तरीका से कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो महिला पढ़ी लिखी है वो जानती है कि पॉजिटिव्स क्या है और नेगेटिव्स क्या है परिवार के, कैसे हैंडल करना है सिचुएशंस को, अच्छे से फैमिली को भी संभाल सकती है और अपने बच्चों के भी, लेकिन अच्छे से एजुकेटेड हो तो। फर्जीवाड़ा एजुकेटर से काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सी कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड सोशल वर्क। वो जो है राजनीति में भी हिस्सा ले सकती है, क्यों नहीं भैया, ले ही सकती है, और साथ ही साथ सामाजिक कार्यों में भी वो हिस्सा ले सकती है। आई थिंक, मुझे लगता है, दे कैन परफॉर्म देयर जॉब्स मोर सिंसियरली देन मैन।
ऐसा मुझे लगता है। अब थोड़ा सा वुमेन एजुकेशन की बात है तो बातों को बेहतरीन खूबसूरती के साथ रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो मेरी मानना है, मेरा मुझे ये लगता है कि महिलाएं अपने काम को ज़्यादा सिंसियर होकर के कर सकती है पुरुषों की तुलना में। देयरफॉर देयर एजुकेशन इज द नीड ऑफ द आवर, इसलिए समय की मांग है, जरूरत है महिलाओं की शिक्षा। एंड नेक्स्ट अगर आप पढ़ते हैं, देयर मस्ट बी कंपल्सरी एंड अफोर्डेबल, यानी कि जो एजुकेशन है, यहाँ पे एजुकेशन जोड़ दीजिएगा, देयर एजुकेशन मस्ट बी कंपल्सरी एंड अफोर्डेबल, यानी कि जो उनका एजुकेशन है कंपल्सरी होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि ज़्यादा महंगा होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, आसानी से वो उनको बियर कर सके, पढ़ सके। मतलब ऐसा अगर हो जाए हर परिवार में कि महिलाओं को पढ़ना, लड़कियों को पढ़ना कंपल्सरी है, उनको पढ़ना ही पढ़ना है जैसे लड़कों को पढ़ाया जाता है, तो बड़ा अच्छा होगा। और गवर्नमेंट अगर इसमें अफोर्डेबल बना दे तो और खूबसूरत होगा। आगे बढ़ते हैं जी, एंड होना क्या चाहिए आगे चल करके, न्यू स्कूल्स एंड कॉलेजेस शुड बी ओपेंड ऑन अ लार्ज स्केल, नए नए स्कूल्स खुलने चाहिए, कॉलेजेस खुलना चाहिए, बड़े स्तर पे खुलना चाहिए महिलाओं की एजुकेशन के लिए। दे शुड बी मोटिवेटेड एंड इनकरेज्ड टू गो टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस, उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित कर देना चाहिए उनको, ताकि वो स्कूल्स में और कॉलेजेस में जा सके। तो यहाँ तक बड़ा ही बेहतरीन आसान से शब्दों में मैंने करा है, आप भी इसको अच्छे से एक बार लिखोगे ना, दो बार तीन बार अगर पढ़ लोगे, लिख डालोगे, तो सारा का सारा फाइनल हो जाएगा। नाउअडेज आज की बात करें, इन आवर कंट्री, हमारे देश में, एज वेल एज इन आवर स्टेट, हमारे राज्य में, द गवर्नमेंट्स आर प्रोवाइडिंग मोर फैसिलिटीज फॉर वुमेन एजुकेशन। तो जो हमारे राज्य की बात करो या देश की बात करो, तो जो सरकारें हैं वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है महिलाओं के एजुकेशन के लिए। द गवर्नमेंट ऑफ आवर स्टेट, जो हमारे राज्य के, जो हमारे द गवर्नमेंट हैज मेड अ पॉलिसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गवर्नमेंट ने एक नीति बनाई है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, किसके लिए, फॉर वुमेन एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा के लिए। आवर स्टेट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन, ड्रेसेज, साइकिल्स एंड मैनी मोर, फॉर वॉट, टू प्रमोट वुमेन एजुकेशन। आप तो ऐसे भी जानते हैं कि बिहार में जो है महिलाओं की शिक्षा के लिए गवर्नमेंट उनको एक तो फ्री एजुकेशन दे रही है, दूसरा उनको ड्रेस भी फ्री में दे रही है, साइकिल्स भी दे रही है, और ढेर सारी चीज़ें दे रही है केवल और केवल उनके शिक्षा को ही आगे बढ़ाने के लिए। सो ये सारी बातें रही, अब थोड़ी सी और बातें होगी कंक्लूजन कि अगर महिला को शिक्षित न किया जाए तो क्या असर पड़ेगा हमारे देश के ऊपर। माय डियर स्टूडेंट्स, इतना को आप अच्छे से नोट कर लो, और मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट भी इसका आप ले सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा सुना करो, क्योंकि बातें अगर चलती है ना तो कई कई ऐसी बातें भी चली आती हैं कि एग्जाम के पीरियड में ये याद रहे या ना रहे, वो बातें भी आपको सोने पे सुहागा का काम दे सकती है। तो इतना नोट करिए फटाफट। कितनी अच्छी लास्ट जो है हमने बातें लिखी है ना, though lots have been done and lots have to be done by changing our mind and heart, बहुत सारी चीजें की जा चुकी हैं और बहुत सारी चीजें अभी की जानी है अपने मन और हृदय को बदल करके। मतलब अगर हम लोग भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन सोचते हैं महिलाओं के, देखो ये ऐसा टॉपिक है ना, हम लोग को 12th लेवल 10th लेवल पे ऐसे लिखना है, इसको हम लोग बड़े स्तर पे भी लिख सकते हैं,
कि कैसे वुमेन एजुकेशन से दूर जा रही है, आज़ादी के बाद उनकी क्या स्थिति थी, आज कैसी स्थिति है, कैसे हम लोग को उन लोग को अच्छा जो है ना एजुकेशन दे सकते हैं, गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर सकती है, इंडिविजुअल क्या रोल प्ले कर सकता है, सोसाइटी क्या रोल प्ले कर सकती है, देर आर लॉट्स ऑफ मैटर टू राइट अबाउट वुमेन एजुकेशन. ओके माई डियर स्टूडेंट्स, बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड दिस इज एनफ फॉर यू. So don't worry, if you will go on that stage, you will see that we can write lots of points regarding women education. So there, हमने इसको एंड कर दिया है बड़ा खूबसूरत तरीके से कि बहुत चीज़ें की जा चुकी है, बहुत चीज़ें होनी है अगर हम अपने मन और हृदय को बदल दें तो. When women move freely in society and get honor in education in real sense, our nation will move on the path of development and prosperity. अगर महिलाएं समाज में स्वतंत्र घूमती हैं और उनको आदर सत्कार दिया जा रहा है और जैसा एजुकेशन चाहिए उनको वो सच में अगर मिल रहा है ना, हमारा देश जो है ना विकास की राह पे और समृद्धि की राह पे चल पड़ेगा. वी मस्ट वर्क टुगेदर, थिंक टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर. हमें एक साथ काम करना चाहिए, एक साथ सोचना चाहिए, एक साथ विकास करना चाहिए ताकि हम अपने देश को एक खुशनुमा एक समृद्धशाली घर बना सके. लाइक भारत इज माई होम स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट. ओके माई डियर स्टूडेंट, सो ये था वुमेन एजुकेशन के ऊपर बहुत ही प्यारा सा एशे. आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, इजी वे में है. इसको लिख लेना अच्छे से, एक दो बार करके याद कर लीजिएगा. फिर मिलेंगे अगले, और आपको जिस भी टॉपिक पे एशे चाहिए फिर कृपया कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम लोग एशे के सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे. ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय.